क्लास 7 का आज हम एक नया यूनिट शुरू करने लगे हैं। इस यूनिट का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप थोड़ा 6th में भी पढ़ के आए हो, तो हम इसकी 12.1 एक्सरसाइज करेंगे आज, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्या है ये? गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो आपने ये जो एक स्टेटमेंट दी हुई है ना, इसको आपने क्या बनाना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है। किस किस को यूज़ करके? वेरिएबल यूज़ करके, कांस्टेंट यूज़ करके और अर्थमेटिक ऑपरेशन। वेरिएबल क्या होते हैं? किसी इक्वेशन में जो लगे होते हैं ना, एक्स वाई जेड कुछ ऐसा लगा होता है, उनको वेरिएबल कहा जाता है। और इक्वेशन में कोई नंबर भी तो होता है ना, होता है ना नंबर, उसको कांस्टेंट कहा जाता है। और जो साइन होते हैं, प्लस का साइन हो गया, माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, उनको अर्थमेटिक ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आपने इन एक्सप्रेशन में वेरिएबल को यूज़ करना है, कांस्टेंट को यूज़ करना है और अर्थमेटिक ऑपरेशन को यूज़ करना है। तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, मतलब क्या हुआ? जेड को वाई में से माइनस करना है। लिखा ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम किस में से? वाई में से। तो ये वाई लिखा पहले और उसमें क्या कर दिया? जेड। अगर आप इसको ऐसे करोगे, मैं आपके सामने एक गलत लिख रहा हूँ, ये अगर ऐसे करते तो ये आपका क्या हो जाता? गलत हो जाता। ये हो जाता जेड में से वाई करना है। लेकिन कहा क्या हुआ उसने? सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, वाई में से जेड को माइनस करना है। तो ये भूल के नहीं करना, गलत हो जाएगा। दूसरा, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का सम कर लो। ये किया एक्स और वाई का सम किया और उसको क्या करना है? 1/2 आधा कर देना है। ये 1/2 से इसको क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये एक्स प्लस वाई का पहले क्या लेना है? सम लेना, और फिर उसको क्या करना? आधा कर देना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर करके ऐसे भी आ सकता था ये। ये देखो, 1 से जब इसको मल्टीप्लाई किया, या सीधा ये याद रखो, ये एक्स प्लस वाई का हमने लिया सम और उसको आधा कर दिया, 2 से डिवाइड। जब भी कोई चीज़ को आधा किया जाता है, 2 से डिवाइड किया जाता है। 2 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? आधा जब किसी चीज़ का किया जाता है तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। नहीं, अगर एक चपाती है, उसको क्या करना है आपने? आधा करना, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? 2। हमेशा जब भी कोई चीज़ आधी की जाती है तो उसके क्या होते हैं? 2 टुकड़े होते हैं, इसलिए 2 से डिवाइड करना है। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, या पूरे का पूरा ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद है द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इट्सेल्फ। क्या मतलब हुआ इसका? द नंबर जेड, जेड को क्या करना है? अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है। ये जेड, ये इसको मल्टीप्लाई किया अपने आप से ही। ठीक है, तो ये क्या आएगा? जेड इंटू जेड, जेड स्क्वेयर आ जाता है ऊपर, ऐसे 2 लगा देना। ये मान लो कि अगर होता जेड मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई जेड, जितनी बार भी जेड होता और मल्टीप्लाई और होता, उतनी ही इसको पावर कहते हैं आ जाते। 3 बार मल्टीप्लाई होता तो जेड की पावर क्या आती? 3। 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा होता तो जेड की पावर क्या आ जाती? 4 आ जाते ऐसे। उसके बाद अगला पार्ट है, 4th पार्ट, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू। प्रोडक्ट क्या होती है? मल्टीप्लाई करना। ये कर दिया मल्टीप्लाई हमने, पी क्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या ना लगाओ, बीच में अगर साइन नहीं हो तो समझ लेना चाहिए कि वो किसका साइन है? मल्टीप्लिकेशन का ही है। और इसको क्या करना है? 1/4 करना है। ये 1/4 भी कर दिया। तो इसको आप जैसे ये लिखा था ना, वैसे भी लिख सकते हो। कैसे? पी क्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया तो पी क्यू ही आ गया, और नीचे क्या करना है? 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, पी क्यू की प्रोडक्ट, और उसको क्या कर दिया? 1/4 कर दिया। समझ आया? आप देखो अगला पार्ट। नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडेड। एक्स और वाई को क्या करना है? स्क्वेयर करना है। ये देखो, ये किया
और उनको प्लस भी कर देना है, खत्म। स्क्वेयर्ड भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वेयर्ड ये किया एंड एडेड और ऐड कर दिया, सिंपल। उसके बाद आ गया सिक्स्थ पार्ट, नंबर फाइव एडेड टू थ्री टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन। क्या करो, एम और एन की प्रोडक्ट ले लो, ये ले ली एम और एन की प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और इस प्रोडक्ट को क्या करना है थ्री टाइम भी करना है, ये कर दिया इसको थ्री टाइम, और उसमें फाइव को ऐड कर देना। देख लो नंबर फाइव एडेड टू किस में, थ्री टाइम द प्रोडक्ट ऑफ एम एन, एम और एन की प्रोडक्ट ली पहले, ली प्रोडक्ट, ये उसको थ्री टाइम भी कर लिया और प्लस कर दिया उसमें फाइव। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ नंबर वाई एंड जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टेन, वाई और जेड की प्रोडक्ट क्या आएगी, वाई और जेड की प्रोडक्ट क्या होगी वाई जेड, इसको क्या करना दस में से माइनस करना है, तो ये टेन पहले आएगा और इसमें से माइनस कर लेना आपने प्रोडक्ट वाई जेड। अगर आप इसको ऐसे कर देते तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि किस में से माइनस करना, फ्रॉम टेन में से किसकी प्रोडक्ट वाई और जेड की प्रोडक्ट माइनस करनी है। उसके बाद सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, ए और बी की प्रोडक्ट क्या आएगी ए बी, और इनका सम कितना आएगा ए प्लस बी, तो करना क्या है सम ऑफ नंबर ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, ये ए बी ये प्रोडक्ट आ गई, और उसमें से माइनस कर देना आपने ए प्लस बी का सम, ऐसे ठीक है। देख लो द्वारा पहले प्रोडक्ट लेनी है किसकी ए और बी की, ये ले ली ए बी की प्रोडक्ट आ गई, और उसका सम प्रोडक्ट में से माइनस कर देना ए बी, ये माइनस का साइन लगाया और इसको ब्रैकेट में लिख देना है। उसके बाद डिवाइड द सम ऑफ नंबर एक्स प्लस वाई बाय जेड, ये तो सिंपल है, ये एक्स प्लस वाई का सम था, इसको डिवाइड कर देना जेड के साथ, खत्म हुआ। उसके बाद सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी प्लस क्यू फ्रॉम देयर सम, ये पी प्लस क्यू है कि पी एंड है, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी प्लस क्यू फ्रॉम देयर सम, ये एंड होगा, प्लस का साइन उन्होंने बुक में गलत लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, ये इधर भी एंड ही होना चाहिए, इसने प्लस का, प्लस तो हमें खुद करना था, सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई का सम लिया फिर उसको डिवाइड, तो सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड पी और क्यू की प्रोडक्ट क्या होगी पी क्यू हो जाएगी, फ्रॉम देयर सम सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड फ्रॉम देयर, इनका सम करो पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू में से आपने प्रोडक्ट को क्या करना है माइनस कर देना, ये प्रोडक्ट क्या आई थी पी क्यू, इसको मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूँ, सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू फ्रॉम देयर सम, ठीक है, इनका सम लिया पी प्लस क्यू और उसमें से इनकी प्रोडक्ट को क्या करना है माइनस कर देना। तो ये क्वेश्चन नंबर वन के टेन पार्ट थे, ध्यान से समझ के कॉपी ऑफ इनको नोट कर लेना है।